अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बोहर थ्योरी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये फोर्थ वीक में दी गई जो असाइनमेंट है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थे उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जी। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर वन है कि हाउ मच एनर्जी वुड इट टेक टू रेज अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मीन एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन टू इट्स फर्स्ट स्टेट एन इज इक्वल टू टू। मतलब आपने जो फर्स्ट स्टेट है वहां से हाइड्रोजन एटम को रेज करके, फर्स्ट स्टेट नहीं सॉरी ग्राउंड स्टेट से उसको रेज करके फर्स्ट स्टेट में लेकर के जाना है तो कितनी एनर्जी उसके लिए नीडेड होगी, ये हमने फाइंड आउट करने। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि एच न्यू इज इक्वल टू सॉरी ई एन इज इक्वल टू एंथ टर्म। हमने फार्मूला बनाया था कि जो एंथ स्टेट होती है उसमें जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये एंथ स्टेट का जो है जनरलाइजेशन है। तो अब अगर आपने फर्स्ट ग्राउंड स्टेट जो है उसके लिए एन इज इक्वल टू वन इसमें पुट करना, और जो हायर स्टेट है सेकेंड जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए आप एन इज इक्वल टू टू पुट करेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करके दोनों वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ई की ग्राउंड स्टेट में जो वैल्यू है उसमें एन वन पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। और सेकंड जो है आपके पास वो बन जाएगी ई टू, उसके लिए एन आपने 4 पुट करना होगा। एन की वैल्यू जब हम 4 पुट करेंगे तो वो 13.6 डिवाइडेड बाय एन टू पुट करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। तो ये 13.6 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। तो अब रिक्वायर्ड एनर्जी जो है, एनर्जी नीडेड टू रेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट स्टेट इज गिवन बाय E2 - E1। एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू E2 - E1। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। E2 की वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 और -(-13.6) भी आता है यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन कैल्शियम लेके अगर हम इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये 3 × 13.6 डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो आपके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज नीडेड टू एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकंड आपके पास प्रॉब्लम है, सेकेंड प्रॉब्लम है फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। जो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है मतलब ग्राउंड स्टेट है उसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन की स्पीड मालूम करनी है। सॉल्यूशन इसका है कि वी नो दैट V1 इज इक्वल टू H/2πmR1 और जो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है उसका रेडियस होता है 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻¹⁰। ये जो आपका फर्स्ट फार्मूला है ये बोहर के जो पास्टुलेट थे उसी के अंदर हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है MRV ये इक्वल होता है H/2π के। तो इसी से मैंने ये वेलोसिटी निकाल ली, V1 इज इक्वल टू H/2πmR1। यहाँ पर R1 जो है ये फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस है, दैट इज इक्वल टू 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻¹⁰ मीटर। तो ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं।
वी वन इज इक्वल टू दिस, वैल्यूज पुट करने के बाद एच की वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 10^-3^4। नीचे पाई की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो 9.1 मल्टीप्लाइड 10^-3^1 होता है, और आर वन की वैल्यू पुट की, इनको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद वेलोसिटी निकल आएगी 1.09 मल्टीप्लाइड बाई 10^6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, 1.09 मल्टीप्लाइड बाई 10^6। प्रॉब्लम है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट, यूजिंग बोहर्स थ्योरी कैलकुलेट। तो ग्राउंड स्टेट में एटम है तो आपने रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये छह चीजें हमने मालूम करनी है, तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने प्रीवियसली लिखा भी कि आर वन जो होता है 0.53 मल्टीप्लाई 10^-10 होता है, इसको हम फाइंड करेंगे। तो आर एन की जो वैल्यू होती है वो एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4π² के एम ई स्क्वेयर होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम बात करेंगे तो एन की वैल्यू 1 हम चूज कर लेंगे, एन 1 पुट करने के बाद ये फार्मूले में एन स्क्वेयर जो है वो 1 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगे। इनमें वैल्यूज पुट कर दें, एच की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10^-3^4 का स्क्वेयर, और नीचे पाई की वैल्यू, के जो है कोलम कॉन्स्टेंट है 9 मल्टीप्लाई 10^9, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10^-10 आ गए। तो ये हमने फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट है उसमें हमने ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका रेडियस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी जो बोहर का पास्टुलेट था एम वी आर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एच ओवर 2π, तो इसको हम यूज करेंगे। तो क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में इसलिए एन यहां पर आपने 1 ले लिया, तो एन एच होता है बेसिकली, तो एन 1 लेंगे तो एच ओवर 2π बन जाएगा। यहां से पी वी इज इक्वल टू एम वी, तो ये आर दूसरी तरफ जाके डिवाइड करके इसको 2πr बना देंगे। एच की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू पुट कर दे, आर हमने पीछे अभी निकाला ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस होता है वो ये होता है, इनको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू निकल गई, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो जस्ट ये एम वी आर जो है ये एंगुलर मोमेंटम ही है, तो आर पे डिवाइड आपने नहीं करना, तो एम वी आर इज इक्वल टू एच ओवर 2π होता है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एच ओवर 2π। तो इनकी वैल्यूज यहां पर पुट कर दें तो ये आपके पास 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 10^-3^4 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड, ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², इसको मोमेंटम की सूरत में लिखेंगे तो पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m बन जाएगा। तो मोमेंटम हम प्रीवियस फाइंड कर चुके हैं, लीनियर मोमेंटम 1.99 पिछली स्लाइड के अंदर, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 2.17 मल्टीप्लाइड बाय 10^-18 जोल, जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10^-19 पे डिवाइड किया
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी की वैल्यू आ गई 13.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। इसमें के कोलम्स कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और आर जो है ये ग्राउंड स्टेट का रेडियस है। तो ये सारी वैल्यूज हमें पता है, ये हम इनके अंदर पुट कर देते हैं। तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और ई होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, और आर होता है 0.53 × 10⁻¹⁹। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाउल में एनर्जी निकलेगी। उसको जब हम डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ पे, तो फिर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर एनर्जी बन जाएगी। इसी तरह टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए ये दोनों एनर्जी की जो वैल्यूज है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनको सम अप कर दें तो ये आपके पास टोटल एनर्जी बन जाएगी −13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रॉब्लम नंबर 4 है कि एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लेवल ई आई इज इक्वल टू −2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू ई एफ इज इक्वल टू −7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन? जब एक लेवल से दूसरे लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, उस दौरान वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो वो जितनी भी रेडिएशंस खारिज करेगा, उन रेडिएशंस की वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो फार्मूला हमें मालूम है कि एच न्यू इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। तो यहाँ पर ई एफ और ई आई की वैल्यूज पुट कर दें, तो यहाँ से जो न्यू होता है उसकी वैल्यू पुट कर दें सी ओवर लेमडा। तो इन दोनों को सम अप करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। बेसिकली सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो यहां से हमने न्यू की वैल्यू फाइंड की सी ओवर लेमडा, वो यहां पे पुट कर दी। अब हमें यहां पर लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो −5.3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो लेमडा हमारे पास निकल आएगा एच सी डिवाइडेड बाय 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एच और सी की वैल्यू पुट करके आप इसको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2.34 × 10⁻¹⁹। तो ये इसको मीटर में आएगा, तो इसको नैनोमीटर बनाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये 2 234 नैनोमीटर उन रेडिएशंस की वेवलेंथ बन जाए। तो ये 4 क्वेश्चन थे असाइनमेंट के अंदर जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे।